हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए ये एक सीख देती है। ये कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसमें छुपी सीख को, इसके लेसन को समझ के हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी छोटी सी कहानी। एक दिन सुबह सुबह बड़ा ही सुहाना मौसम था। बाग में एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल खिला था और वो फूल हवा के झोंकों के साथ मस्ती से झूमता हुआ सुहाने मौसम का आनंद ले रहा था। ऐसा देख आसपास के पौधों ने उसे कहा कि इतना मत इतराओ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, शाम तक तुम्हारे जो ये सारी नाजुक पंखुड़ियां हैं ना, ये सब मुरझा जाएंगी। फूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, जितना जीवन मिला है वो तो खुशी से जी लूं, उतना तो खुश हो लूं। तो पौधों ने फिर कहा, इतना झूमोगे, इतना इतराओगे तो माली की नजर में आ जाओगे, वो तुम्हें तोड़ ले जाएगा और शाम होने से पहले ही तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगता? फूल ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये मायने रखता है, कितना लंबा जीवन जीते हैं वो मायने नहीं रखता। और मेरे लिए तो मेरे जीवन का यही अर्थ है कि अपने चारों तरफ सुगंध बिखेरना, खुशियां फैलाना। इतना कहकर वो फूल फिर हवा के झोंकों के साथ मुस्कुराने लगा, झूमने लगा। तो यहाँ खत्म होती है ये छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देके जाती है कि किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हम लोगों की, मतलब हम इंसानों की एक ये आदत है कि हम हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। उसके लिए हम अपना आज भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं कि फ्यूचर में सेविंग करनी है। आज अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो 100 रुपये हमारी आज की ज़रूरत के लिए हैं तो हमें उसे आज कैसे खर्च करना है। हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम 50 रुपये फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, बाकी 50 रुपये से हम आज का गुजारा चलाएंगे। मतलब अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो हम आज 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारे फ्यूचर की सेविंग में, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपना आज की खुशियों को, अपने आज को कुर्बान करके हम अपना कल बेहतर बनाने की सोच रखते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने एक स्कीम ली अपनी सेविंग से, जैसे तैसे करके अपने खर्चे बचा के, मान लीजिए आपने आज का अपना खर्चों को मैनेज करके, अपना आज का सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ जो आप जी सकते हो उसमें से बचा बचा के और सेक्रीफाइस करके अपनी खुशियों को आपने अपना एक सेविंग किया या इन्वेस्टमेंट किया, ये सोच के कि 20 साल बाद आपको 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं उसको। अब 20 साल बाद मान लीजिए आपको वो 80 लाख रुपये मिल गए, लेकिन आपने सोच के तो ये प्लान किया था कि आपको आपका रिटायरमेंट अच्छे से निकल जाएगा उन पैसों के साथ, मतलब आपकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी उन पैसों के साथ बड़े अच्छे से कटेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी ज़रूरत, ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपके वो जो 80 लाख रुपए आपको मिले हैं 20 साल बाद वो एक झटके में उस ज़रूरत के लिए खर्च हो जाए, आपके पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा, तब आपको कैसा फील होगा? मतलब कोई गारंटी है कि 20 साल बाद? 20 साल छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या ये गारंटी है कि आप कल सुबह का सूरज भी देख पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है इसकी। कल कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग करिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, सेविंग करिए, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन अपना आज कुर्बान करके सेविंग मत करिए, अपना आज अच्छे से जी लीजिए, अपनी ज़रूरतों को, अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा कीजिए पहले, तब फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए। क्योंकि कितना
अच्छा जीवन हम जीते हैं ये मायने रखता है, कितना लंबा जीवन जीते हैं ये नहीं। सोचिए कितनी अच्छी सीख इस कहानी से हमें मिली है कि हमें किस तरीके से अपना जीवन, अपना प्रेजेंट अच्छे से जीना चाहिए, पूरी तरीके से जीना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे जो हमें सीख मिलती है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।